वाले हिस्से की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। पाइप को काटकर बनाया गया रास्ता, फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है और रेस्क्यू जारी है। अगर एक जरिया फेल हुआ तो हमारे पास कम से कम 1-2-3 और जरिए हो सकते हैं, उनको हम इस्तेमाल करेंगे और उन जरियों में शायद वक्त और ज्यादा लगे, जिसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। द मीडिया मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर, द नेशन मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर कि अगर किसी तरीके से अड़पन आई इस अप्रोच से, जो हॉरिजॉन्टल अप्रोच हम कर रहे हैं 11 की तरफ से, तो और अप्रोचेस पे वक्त और ज्यादा लगेगा। मगर इसकी पॉजिटिव चीज यह है कि जो वर्कर्स अंदर हैं उनको राहत पहुंचाई है, उनको असिस्टेंस मिल रही है और हर तरीके से उनका वेलफेयर देखा जा रहा है और उनकी फैमिलीज को एश्योरेंस दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर कुछ और वक्त लग गया तो उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए और वो सब अंदर जो है तैयार है उसके लिए। जहां तक इस अप्रोच का सवाल है, आप देख रहे होंगे कुकिंग ऑफ चैनल्स के ऊपर देख रहे होंगे कि वहां से बहुत आश्वासन आ रहे हैं कि अगले 2 घंटे में दिन के शायद बीच दिन में या आखिरी लास्ट लाइट शाम तक या कल सुबह, सब लोग टाइम लाइन लगा रहे हैं। और मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि ये ऑपरेशन जो होते हैं ये लड़ाई की तरह ऑपरेशन होते हैं, इनके अंदर टाइम लाइन कभी नहीं लगा, क्योंकि लड़ाई के अंदर भी आपको सामने मालूम है कि दुश्मन क्या करने वाला है। इसमें आप समझिए कि जमीन जो है आपका दुश्मन है, हिमालय जियोलॉजी वो है दुश्मन है, जो टनल कोलैप्स हुआ है उसके अंदर किस एंगल से गर्डर गिरा है, किस एंगल से कंक्रीट गिरा है, किसी को नहीं मालूम उसके बारे में। और यही चीज हुई है कल रात को जब अंदर गया है तो उसको एक गर्डर मिल गया और गर्डर को पार नहीं कर पाया, तो फिर पूरे जो रिसोर्सेस थे उनको इस्तेमाल किया गया ऑगर को निकालने के लिए, अंदर ऑक्सीएसिलीन टॉर्चेस भेजने के लिए, उसके बाद ऑक्सीएसिलीन टॉर्चेस से उनको गर्डर्स को काटने में, इस सब चीज में वक्त बहुत ज्यादा लगता है। और कोई ये नहीं कह सकता कि 2 घंटे में हो जाएगा ये, तो और ये काम बड़ा आर्डरस काम होता है, इसके लिए स्पेशलिस्ट जाते हैं अंदर, जो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है जब ऑक्सीजन के साथ आप काम कर रहे हैं वहां पर, 1.5 घंटे का सिलेंडर आपके पास अवेलेबल है ऑक्सीजन का, जब वो 1.5 घंटा खत्म हो जाता है और आपका काम पूरा नहीं हुआ है तो आपको बाहर निकलना पड़ता है, दोबारा ऑक्सीजन, दोबारा नई ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। तो ये काम एक एनक्लोज स्पेस में, आप समझिए तकरीबन सबमरीन की तरह, सबमरीन में तब भी ज्यादा स्पेस होती है, ये पाइप के अंदर हो रहा है ये काम, तो बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौती वाला काम है ये। तो इसपे हर वक्त ये उम्मीद रखना कि अगले 2 घंटे में हम निकाल लेंगे, मैं समझता हूं सरासर गलत है। इससे क्या है कि वर्कफोर्स के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है। और आपको मैं ये याद दिला दूं कि इस स्थिति में वर्कर जो है वो रिस्क पे है और उतनी ही रिस्क पे जितने सब स्टाफ है जो काम कर रहा है वहां पर, जो रेस्क्यू टीम है वो उतनी ही रिस्क पे, तो बोथ आर एट रिस्क, अंदर जो उसको रेस्क्यू करना है और जो रेस्क्यू करने वाला है, बोथ आर एट इक्वल रिस्क। सो वी हैव टू केटर फॉर द सेफ्टी ऑफ ऑल दीज पीपल एट द सेम टाइम। मैं समझता हूं कि कोई ऐसे, जैसे मैंने बताया कि टाइमलाइंस ले डाउन करना सही नहीं होगा, मगर फासले काफी, परसों रात से काफी फासला अंदर बढ़ चुका है, 22 मीटर पहले था, तकरीबन 45 मीटर तक पहुंच गया था कल रात को, उसके बाद और प्रोग्रेस हुआ था जब तक ये बाधा पड़ी थी। सुनने में आया है कि अभी दोबारा थोड़ा रुकावट आई है, उसको दूर की जा रही है उस रुकावट को, तो ये रुकावटें 10, 12 या 15 मीटर जो आपकी रह गया है उसके अंदर 2, 3 या 4 दफे और आ सकती है, और ये वही कार्रवाई आपको रिपीट करनी पड़ेगी, जो ऑक्सीएक्सिलीन के साथ अगर आपने गर्डर्स को काटा है या क्या मालूम सामने कोई कंक्रीट का ब्लॉक आ जाए, जो कुछ भी करना है आपने उसको दोबारा करना पड़ेगा, तो उसमें वक्त लगेगा। तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है डिले होता रहेगा, मगर
सरकार की तरफ से जो बाकी दिशाओं से कोशिशें होंगी उनमें कोई फायदा नहीं है। दैट वी विल कंटिन्यू। सुविधाएं बन गई है, जहां पर 2000 लीटर पानी हर घंटे के लिए चाहिए था उस दिशा में वो बंदोबस्त हो गया है। उसका जो ड्रिफ्ट चैनल, एक ड्रिफ्ट तरीके से जो काटना था, स्क्रेप करना था टनल का जो कोने जो थे उनको, वो काम भी शुरू हो गया है। कोर ऑफ इंजीनियर्स आर्मी की वहां पर है, वो फैब्रिकेशन भी शुरू हो गया है, जो इक्विपमेंट वो फैब्रिकेट कर रहे हैं इसके लिए। ब्लास्टिंग का काम उस तरफ से, बरपोर्ट की तरफ से ब्लास्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। तकरीबन 8-9 मीटर की का एक्सेस भी बन गया है वहां पर। तो ये सब तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऊपर से 6 इंच की पाइपलाइन, एक ऑल्टरनेटिव पाइपलाइन लगाने के का भी काम शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें रिडंडेंसी होती है। अभी आपके पास 1-6 इंच की पाइपलाइन है, 1-4 इंच की शाफ्ट है, तो अगर एक और 6 इंच की पाइपलाइन आ जाए तो और भी अच्छा होगा। ऑक्सीजन भी जाएगा, आपके पास रिजर्व के तौर पे एक और एक्सेस रूट लॉजिस्टिक्स के लिए बना रहेगा। बात आई आखिर में पोस्ट रिकवरी, या आप रिकवरी की भी बात कर सकते हैं, रेस्क्यू की बात कर सकते हैं, कि जब थ्रू एंड थ्रू हो जाएगा तो ये इनको कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए पिछले 10-12 दिन से एनडीआरएफ वहां पर है, दो टीम है, डीजी एनडीआरएफ वहां खुद आज मौजूद है, आईजी एनडीआरएफ कल थे वहां पर, और रिहर्सल प्रैक्टिस जारी रही है। ऑल दिस कैंडिडेट हार्डी लोग हैं, ये हमारे एनडीआरएफ के जवान जानते हैं तरीके। इम्प्रोवाइजेशन क्या है, स्ट्रेचर्स के ऊपर पहिए लगाकर स्ट्रेचर्स को ऊपर नीचे खींचने की का भी रिहर्सल किया है, क्योंकि सबसे तेज तरीका होगा कि आप स्ट्रेचर भेजिए अंदर, इधर से तार बांधिए, रस्सी बांधिए, उधर से रस्सी बांधिए, स्ट्रेचर के ऊपर एक वर्कर को लिटाइए और इसको खींचिए पहियों के जरिए। अगर कोई अड़पन आती है तो फिर क्रॉलिंग करके, अगर अपने बल पे क्रॉलिंग करके आना पड़ेगा 65 मीटर, तो थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा और उसमें खतरा भी होता है कि कोई किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को साइकोलॉजिकली कोई असर हुआ हुआ है, तो इस तरह से उसमें अड़पन आती है। तो उम्मीद करते हैं कि सबसे अच्छा तरीका जो है स्ट्रेचर्स का वो अपनाया जाएगा और उसके अंदर कोई अड़पन नहीं आएगी। बीच बीच में इतना स्मूथ पैसेज नहीं होगा पाइपलाइन के अंदर, मगर कोशिशें इसके लिए पूरी जारी रहेगी। जब ये रेस्क्यू हो जाएगी, जिस वक्त भी हो जाएगी, आप इमेजेस देख रहे हैं टेलीविजन पे भी, बहुत इमेजेस आ रही हैं कि वहां पर सबसे पहले मेडिकल, एक तो पहली चीज उनका मेडिकल चेकअप होगा, और कोई सीरियस केसेस है तो उनको एयरलिफ्ट करके वहां पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के अपने एविएशन रिसोर्सेज हैं, इंडियन एयरफोर्स को रेजोल्यूशन दिया गया है, कंफर्म रेजोल्यूशन है कि वो जल्द से जल्द वहां पर आ सकते हैं हवाई जहाज लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर उनको ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा। बाकियों के लिए जहां तक मैं काउंट कर रहा हूं 41 एम्बुलेंस शायद वहां पर आ गई है, मतलब हर वर्कर के लिए एक एम्बुलेंस है, उसके अंदर अटेंडेंट, उसके अंदर शायद उसका रिश्तेदार, अगर वहां पर साथ में उसके कोई रिश्तेदार है वो सब उसके साथ जा सकते हैं, इंडिविजुअली जा सकते हैं वहां तक ऋषिकेश तक, और उनको एडमिट करके वहां पर उनका उनके डिटेल मेडिकल चेक करना पड़ेगा इसका। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजों के साथ और खासतौर पर ये ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंटली ये पूरी खबर दे रहे हैं, तो उम्मीदें काफी देर हुई हैं और दिलासा मिली है, और जितने वर्कर हैं अंदर, उनके जितने रिश्तेदार हैं, उनके अंदर एक उम्मीद जागृत हुई, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। उससे और ताकत आएगी उनके अंदर जो अंदर फंसे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हाल ही में अगले कुछ घंटों में या कल तक या जब भी है, तो ये हमें इसके अंदर कामयाबी इस ऑपरेशन में मिलेगी। आपके कोई सवाल है अगर इसके ऊपर, खासतौर पर आखिरी चीज मैं सिर्फ बताना चाहूंगा कि इसके अंदर मदद के लिए तकरीबन 4-5 फॉरन एक्सपर्ट्स हैं जो मौजूद है वहां पर, ऑस्ट्रेलिया और इत्यादि देशों से, उनका रहना वहां पर हमें और आशा देता है और सपोर्ट देता है। इन सब का बहुत तजुर्बा है, अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर इन्होंने रेस्क्यू किए हैं, अंडरग्राउंड कार्रवाई जो है, अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर, अंडरग्राउंड स्पेस के अंदर काम बहुत इन्होंने किया है,
तो वो एक्सपीरियंस वो तजुर्बा जो है वो ला रहे हैं और एक्सपर्ट एडवाइस उनको लगातार यहां पर दे रहे हैं। Sir, pardon from India today. You did mention about the fact that there seems to be some sort of halting in operations right now at the site. What has caused this? If you can just clarify that, sir. It's not the first time it's happened. This is perhaps the third time it's happened. And no one is expecting that this operation is going to go without obstacles. जैसे मैंने आपको शुरू से बताया कि बाधाएं तो आएंगी आपके सामने इस तरह की जियोलॉजी में, और क्योंकि वहां पर डिस्ट्रॉयड एक सबसाइडेड टनल की छत है पूरी वहां पर, उसके अंदर तो नेचुरली दीज ऑब्स्टिकल्स विल बी देयर एट द मोमेंट। शुरू में जब जो ऑब्स्टिकल आया था 16 तारीख 17 तारीख, उसको तो पार करके और 22 की रात से दोबारा शुरू करके आए। चलिए बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आपको बता रहे संत।